ये एक भंवर से बनने वाला एक कुआं जैसा है। इसके लिए आपको एक गोल बेलनाकार प्लास्टिक का डब्बा, पुरानी प्लास्टिक की बोतल, एक साइकिल की तीली आदि चाहिए होगी। साइकिल की तीली में एक प्लास्टिक की पट्टी चिपकाएं, ये सीढ़ी का भी एक टुकड़ा हो सकता है। फिर गोल डब्बे के ढक्कन में सुराख करें और उसमें से स्पोक को निकालें। स्पोक का जो नट है उसको बोतल के लाल ढक्कन में धंसा दें और उसके बाद में साइकिल स्पोक की चूड़ी को घुमा घुमा करके स्पोक और नट को फिट कर दें। फिर एक बोतल का ऊपरी हिस्सा काटें, उसमें 12 पंखुड़ियाँ काटें, पंखुड़ियों को थोड़ा मोड़ करके ट्विस्ट दे करके उनको पंखा बनाएं। उसके बाद में इस पंखे को उसी के लाल ढक्कन के अंदर फिट कर दें। अब ये देखिए, जो प्लास्टिक की पट्टी है वो गोल डब्बे के अंदर पानी है उसमें डूब जाती है, ढक्कन को फिट कर दिया। और अब इस पूरी असेंबली को हम एक सीलिंग फैन के नीचे रखेंगे जिससे बोतल का पंखा घूमेगा और अंदर जो पट्टी है वो गोल गोल घूमेगी और वो इस डब्बे के अंदर पानी में एक भंवर बनाएगी। ये भंवर ऐसा होगा कि जैसे नीचे पानी खींच करके एक कुआं जैसा, एक पैराबोलिक, एक वेल जैसा बनेगा। इसका आप थोड़ा क्लोजअप देखिए, पानी धीरे धीरे करके नीचे आएगा। ये सब प्लास्टिक की पट्टी घूमने के कारण हो रहा है और एक बहुत सुंदर भंवर जैसी बनेगी, एक बिल्कुल पैराबोलिक वेल बनेगा। और जैसे जैसे उसका घूमना बंद होगा वो कुआं भी गायब हो जाएगा।